Afternoon to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, पहले तो आपको मैं तहे दिल से ये ईद मुबारक कहता हूँ. आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक है और अल्लाह ताला इस ईद की वजह से आपकी ये ज़िंदगी में खुशियाँ हर चारों तरफ आ जाए और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाए. तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस ईद की वजह से आपको खुशियाँ अदा फरमाए. तो आज इस ईद गिफ्ट के ईद के मौके पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है. इलेक्शन का जो थ्योरी है वो है साइकोसोशल. तो उसमें इलेक्शन का मतलब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है किस तरह से उसने एक थ्योरी दी है साइकोसोशल. साइको मीन्स जो बच्चे की जो माइंड है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड्स है, उसका जो माइंड होता है, उसकी नीड्स है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड्स है, जो भी है वो होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इसके बाद जो हमारे इंसान जब दुनिया में आता है तब से लेकर जब तक वो दुनिया में है वहाँ पर कुछ क्राइसिस होते हैं. जैसे वो चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, मेरे सोशल जो सोसाइटी है वहाँ पर उसने कुछ नॉर्म्स रूल्स सेट किए हैं ऑलरेडी, तो उसको अपनी ज़िंदगी में उनके मुताबिक चलना है. तो जो भी जो किसी भी स्टेज पे मतलब आगे बढ़ता है तो हर स्टेज पर उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है. तो दो पहलू होते हैं वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, या तो वो पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता है या नेगेटिव डिविएट हो सकता है. तो इलेक्शन एक साइकोलॉजिस्ट था, वो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी है. आज इस वीडियो में खाली आपको सिटअप बोलूँगा और इंशाल्लाह इनके बारे में इसमें डिटेल डिस्कशन देंगे. तो इलेक्शन ने जो किया है वही बोला है कि जो इंसान की नीड्स है, जो इंसान के वांट्स है, जो माइंड है, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड है, उसमें साइकोलॉजी जो सोशलॉजी है, सोसाइटी का क्या रोल है, किस तरह से वक्त वक्त पर ये इंसान के हर जो उसमें चीज़ है वो मतलब जो भी पोटेंशियल है उसमें रुकावटें बनती हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है. तो इलेक्शन ने उसमें आठ स्टेज दी है उस अपनी थ्योरी में. इलेक्शन ने उसमें हम ये पढ़ेंगे, पहला जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये पहला स्टेप है. और जब बच्चा दुनिया में आता है बर्थ से 1.5 साल तक ये स्टेज रहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. तो यहाँ पर जो पूरा फोकस होता है वो माँ बाप का होता है कि या गिवर्स का होता है, किस तरह से बच्चों में ट्रस्ट पैदा करते हैं, किस तरह उनको फील करते हैं, केयर करते हैं. तो ये वाला जो पहला स्टेज है माइंड स्टूडेंट्स, पहला स्टेज है इलेक्शन थ्योरी का, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. क्योंकि आज इसमें हम खाली स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आठ स्टेप्स दिए हैं उसने, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है. तो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो आपको बोर्ड में दिखाई देता है वो होता है क्या, बर्थ टू 1.5 साल का होता है. तो उसके उसके बाद और एक आता है दूसरा स्टेप जो इलेक्शन ने बोला है थ्योरी में, वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट. तो ये दूसरा है. तो ऑटोनॉमी आपको पता है कि यहाँ पर बच्चा सब एक्सप्रेशन फ्रीडम पाता है, ऑटोनॉमी हासिल करना चाहता है. तो उसका जो अपोज क्राइसिस वाला स्टेज जो दिया है इलेक्शन ने वो है शेम. इसके बाद और एक स्टेज है वो है तीसरा स्टेज. पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. तो ये तीसरा स्टेज है जो इलेक्शन ने दिया है. इसके बाद और एक स्टेज ने दिया है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियॉरिटी. तो एक स्टेज चौथा स्टेज जो इलेक्शन ने आपने थ्योरी में डिस्कस किया है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियॉरिटी. उसके बाद और एक स्टेज आपको हम दिखाएंगे वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जिसको बोलते हैं. तो इसमें बच्चा एडोलेसेंट एज में होता है, तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के और एक स्टेज है. इसके बाद और एक स्टेज उसने दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. तो यहाँ पर बच्चा इंटीमेसी में चला जाता है और उसका अपोज जो क्राइसिस है वो आइसोलेशन है, ये और एक स्टेज है. इसके बाद और एक स्टेज इलेक्शन ने दिया है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. तो यहाँ पर आप ये और एक स्टेज जो इलेक्शन ने अपने मॉडल में दिया है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन. और एक स्टेज है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, या उसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर. तो ये बहुत सारी आठ स्टेजेस हैं जो इलेक्शन ने दिए हैं. तो उसमें जो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ एक एक करके, उसमें जो पहला स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियॉरिटी, और एक स्टेज है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और एक स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और एक स्टेज है दैट्स कॉल्ड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और जो उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेज है वो इंटीग्रिटी वर्सेस जिसको बोलते हैं डिस्पायर. तो होप दैट आज के शॉर्ट वीडियो मैंने इसमें खाली स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह इनके बाद हम इसमें डिटेल डिस्कशन और लेक्चर देंगे. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक. थैंक यू वेरी मच.